नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनिया। रुक करते बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो का किराया एक बार फिर से बढ़ने वाला है। 1 अक्टूबर से मेट्रो किराए में 20 से 30% का इजाफा होगा। दूसरे फेज का किराया बढ़ाने की ये तैयारी चल रही है। अभी तक मेट्रो में सफर करने के लिए कम से कम किराया 10 रुपए, अधिकतम किराया 50 रुपए देने पड़ते हैं। इससे पहले DMRC मई में किराया बढ़ा चुकी है। मई में बड़े किराए के बाद DMRC के आंकड़ों पर नजर डालें तो यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई। अब DMRC दूसरे फेज में फिर से किराया बढ़ाने जा रही है। बढ़े हुए किराए की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। DMRC की माने तो 2 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर तक के लिए 15 की जगह 20 रुपए किए जाएंगे। तो नए किराए की बात करें तो किराए में 20 से 30% का इजाफा होगा, यानी मई का और अब तक का लगाकर चले तो करीबन 66% ये टोटल इजाफा हुआ है। 2 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपए देने होंगे जो नया किराया है। 2 से 5 किलोमीटर तक के लिए आपको 15 की जगह 20 रुपए देने होंगे, यानी सीधे 5 रुपए बढ़ा दिए गए। 5 से 12 किलोमीटर के लिए 20 की जगह अब 30 रुपए आपको देने होंगे। इसके साथ ही 12 से 21 तक के लिए आपको 30 की जगह 40 रुपए देने होंगे। ये मेट्रो का नया किराया है। 21 से 32 किलोमीटर तक के लिए आपको 40 की जगह अब 50 रुपए देने होंगे। साथ ही 32 किलोमीटर से ज्यादा सफर के लिए 50 की जगह 60 रुपए आपको किराया देना होगा। अभिनव उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक बार फिर से किराया बढ़ा दिया गया DMRC की तरफ से, क्या वजह है इसकी? जी हाँ, देखिए, बढ़ाया नहीं गया है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं जब ये किराया बढ़ाया जाएगा। DMRC का यही कहना है कि जिस तरह से फैलाव हो रहा है मेट्रो का पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे NCR के अंदर, उस लिहाज से किराए को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ मेट्रो में जिस तरह से लोग सफर कर रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद में लोग सफर करते हैं मेट्रो में, और मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए और जगह फैलाने के लिए और सेवाओं को बेहतर करने के लिए किराए को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार किराए में वृद्धि करीब 30% तक होने जा रही है। सीधा असर दिल्ली और NCR में रहने वालों के कंधों पर पड़ने वाला है। मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया लोगों को जाहिर तौर पर पसंद नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी है। मेट्रो के अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक कोई बयान तो नहीं दिया है। मुमकिन है कि 1 अक्टूबर के पहले मेट्रो आए, मेट्रो के अधिकारी सामने आए और कोई आधिकारिक बयान भी दें। चलिए, बेहद शुक्रिया अभिनव जानकारी देने के लिए। तो मेट्रो के विस्तार के लिए सीधा सीधा बोझ यहाँ पर आम जनता पर डाला जा रहा है। जो मेट्रो के यात्री है उन पर ये बोझ डाला जा रहा है। चलिए।